नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज हम बच्चों शुरू करेंगे मॉक 152 का सॉल्यूशन। मैं संजय खान एक बार फिर से स्वागत करता हूं केडी कैंपस के और अपने चैनल मैथ्स बाय संजय खान सर पे आप सबका। तो चलो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास तीन पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1, 4, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है r-2 और तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -316। ये कह रहा है कि ये तीनों पॉइंट अगर संरेखीय हैं, मतलब कोलिनियर हैं, एक ही लाइन पर आते हैं, तो बताओ इस r की वैल्यू क्या है। बहुत सारे तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो, मान लीजिए कि ये तीनों पॉइंट ABC किसी ट्राइंगल के पॉइंट थे। अगर ये किसी ट्राइंगल के पॉइंट थे तो उस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? 0। आप निकाल सकते हो इस तरीके, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक और मेथड से, जब आप दो पर्टिकुलर डिस्टेंस को जोड़कर AB+BC को आप किसी तीसरे डिस्टेंस के बराबर रख सकते हो, यानी टू डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस हो जाए, तभी भी ये कोलिनियर होते हैं। लेकिन जो हम इसको क्वेश्चन को करेंगे, वो करेंगे थर्ड कंडीशन से। जो हम एग्जाम में इसको करके आएंगे तो हम थर्ड कंडीशन से करेंगे। याद रखिएगा, जो होती है क्या, वो कहती है कि स्लोप इनके बराबर होंगे। स्लोप ए बी, स्लोप बी सी और स्लोप ए सी बराबर होंगे। तो अगर स्लोप बराबर होंगे तो ये स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है, अगर दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास तो मैं वाई वाले कोऑर्डिनेट आपस में घटा दूंगा और डिवाइड कर दूंगा एक्स वाले कोऑर्डिनेट को घटा के। तो यानी अगर मैं बात करूं स्लोप ए बी, तो स्लोप ए बी हुआ -2 -4। मैंने वाई वाले आपस में घटा दिए, डिवाइड में r-1। अब क्योंकि r एक बार ले लिया है तो दोबारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप ac को ले लीजिए, तो 16 में से 4 को घटा दीजिए, 16 में से 4 चला जाएगा, -3 में से -1 को घटा देते हैं, माइनस का बन जाता है 6, बटे में हो जाता है r-1। 16 में से 4 क्या बचेगा? 12, और ये हो जाएगा -4। 6 × 12 -2 इधर आ जाएगा, कहीं भी आप रख सकते हो माइनस का साइन, ठीक है। तो ये गया कितने पे? 2 पे। और 2 से 4 कितने पे गया? ये भी 2 पे। 2 मल्टीप्लाई जब होगा तो देखिए ध्यान से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, r-1 = हो जाएगा 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। आ जाते हैं 52 के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपके पास में 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गाय हैं, इनको नदी पार करानी है। तो ये क्वेश्चन जो आया है, जब भी आप इसमें एक अंडरलाइन करेंगे एक बात को जिसमें लिखा है प्रत्येक बार अधिक से अधिक जानवर ले जाएगा जिनकी संख्या बराबर होगी, यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये HCF निकालने के लिए कह रहा है आपसे। HCF निकालने का तरीका आप जो जानते हो, डिवाइड करने वाला, उससे डिवाइड नहीं करो, आप इनका LCM ले लो। LCM लेते हो तो आप देखो, एक ही तीर से दो निशान अब हम लगाएंगे। जैसे अगर ये तीनों वैल्यू जिससे कटेंगी वो वैल्यू होगी 5, 5 × 10, 5 × 5, 5 × 5 = 10 और 5 × 8 = 140, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। अब देखिए, कोई वैल्यू जो इन तीनों को डिवाइड कर दे वो होगी 7, तो 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35। यहाँ जो बच जाता है वो होता है रेशियो, और ये जो होता है ये होता है HCF। HCF हमें बताता है मैक्सिमम संख्या कितनी होगी। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई हुई तो HCF हुआ कितना? 35। यानी इसका मतलब समझो, 35 का 35 क्या है? एक बार में ले जाने वाले जानवरों की संख्या, यानी द नंबर ऑफ एनिमल्स विच वेंट इन ईच ट्रिप, वो होंगे 35 एनिमल। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई अगर ये 3, 4, 5 क्या है, तो इसको भी समझा देता हूँ। एक बार में वो 35 या तो गाय ले जाएगा, या बकरी ले जाएगा, या फिर गधे ले जाएगा। यानी अगर उसने बोला था ये हमारे पास में बकरी है और 140 उसने गधे बोले थे और ये गायें बोली थी, तो अब कितने लोट बनेंगे ऐसे जिनमें बकरियां भेजी जाएंगी? तो बकरियां 3 बार में भेजी जाएंगी, गधे 4 बार में भेजे जाएंगे और गायें 5 बार में नदी को पार करेंगी। तो इसलिए उसने पूछा मैक्सिमम एनिमल, तो इसका सही आंसर हो गया 35। 53 के सॉल्यूशन पे अब मैं इस क्वेश्चन को आपको शॉर्टकट से भी बताऊंगा, डिटेल से भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री मेंस दोनों के लिए, आप इसको नोट करो पहले। ये कह रहा है आपको एक पॉलिनोमियल उसने दिया fx = x²-px+q, और वो फाइंड करने के लिए कह रहा है α² / β² + β² / α² जब α और β इसके रूट है।
तो पहले मैं इसका शॉर्ट बता दूं, जब वो रूट की वैल्यू बताता है तो बस इतनी सी बात जान लो कि जो भी आप कंपेयर कर रहे हो वो जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कोरिलेट करके चल रहे हो आप इसको, और जो सम ऑफ रूट होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाय ए, इस इक्वेशन को देखते हुए तो ये वैल्यू मिली माइनस पी के बराबर, और जो कि माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा मैं कह सकता हूं भाई कि ये पी के बराबर है। इसी तरीके से आपको याद रखना है भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा वो होगा सी बाय ए, इस इक्वेशन को देख लो, सी की वैल्यू यहाँ क्यू है बाय वन, ये मिलेगा भाई क्यू। ये दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है बच्चों, जिसके चलते हम कोई भी क्वेश्चन आगे सोल्व कर पाएंगे। पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ डिटेल क्या है इस क्वेश्चन का, क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखो अब जरा ध्यान से, ये अल्फा बीटा का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। अल्जेब्रा में आप इतनी बात जानते हो कि अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू n हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है एन स्क्वायर माइनस दो। तो ये वैल्यू मुझे कब मिलेगी, जब मुझे एक्स प्लस वन बाय एक्स पता होगा, यानी अल्फा मेरा पहला जो अप्रोच रहेगी स्टेप वन वो रहेगी मेरे को फाइंड करना है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अगर ये पता लग गया तो ये n के बराबर होगा, और n पता लग गया तो यानी इसका होल स्क्वायर जो n स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा, डायरेक्ट हम कर पाएंगे। यानी अगर मैं इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखूं तो ये है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा, यानी अल्फा और बीटा के टर्म्स में मेरे पास सम में वैल्यू है ऑलरेडी। तो अगर मैं बात करूं भाई सिंपल, अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सम ऑलरेडी जानते हैं वो कितना होगा भाई पी स्क्वायर, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस टू, अल्फा बीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो है क्यू बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है क्यू। तो अगर मुझे पता लग गया कि ये जो वैल्यू है भाई ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा की वैल्यू है इतनी, तो अगर मुझे होल स्क्वायर निकालना है जैसा कि मेरे से कहा गया था क्वेश्चन में, तो मेरे को क्या करना चाहिए, अब इसका होल स्क्वायर करके दो घटा देना चाहिए, यानी पी स्क्वायर माइनस टू क्यू बाय क्यू का होल स्क्वायर माइनस टू, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगी वैल्यू। अगर हम ऑप्शन से देख लें तो ऑप्शन बी में हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, जरा करके देख लेते हैं सॉल्व। हालांकि देखो ध्यान से, ये हो जाएगा पी की पावर फोर प्लस फोर क्यू स्क्वायर माइनस टू इंटू पी स्क्वायर इंटू टू क्यू, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ओवर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्यू का माइनस में टू। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ फर्दर तो ये हो जाएगा चार क्यू स्क्वायर में से दो क्यू स्क्वायर गया बचा दो क्यू स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर टू टू जा फोर लिख लेते हैं अब यहाँ पे इंटू में क्यू बाय क्यू स्क्वायर। और देखो इस लाइन में आ गया बच्चों आंसर, जब पी स्क्वायर पी की पावर फोर बाय क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा बचेगा प्लस का टू माइनस का फोर पी स्क्वायर बाय क्यू। तो अगर हम ऑप्शन से मैच करें तो पी की पावर फोर बाय क्यू स्क्वायर माइनस फोर पी स्क्वायर बाय क्यू प्लस टू। अब देखो इसको करते हैं बच्चों हिट एंड ट्रायल मेथड से, अगर मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कराऊं आपको कि भाई आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप इसको डिटेल से जाओ, तो आपको बेसिक अप्रोच तो इतनी पता होनी ही चाहिए कि हमारे पास इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सम ऑफ रूट की अल्फा प्लस बीटा पी आएगी और ये क्यू वैल्यू आ रही है। तो अब करना क्या है आपको, बस एक सिंपल सी बात समझनी है, आप पी और क्यू की वैल्यू को लेट कर लेंगे। जैसे ही आप पी और क्यू की वैल्यू को लेट करेंगे तो इस ये जो फॉर्म आपको दिख रही है ये कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्म बनानी है, यानी अगर मैं क्यू की जगह एक रख दूं और पी की जगह माइनस दो रख दूं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी का होल स्क्वायर हो गया। यानी मुझे पता लग गया भाई कि पी की जगह पे हम बात करें, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था क्यू की जगह पे हमने एक रख लिया है, लेट क्यू इज इक्वल टू वन, लेट क्यू इज इक्वल टू वन और p इज इक्वल टू माइनस टू। तो मेरे पास p और q की वैल्यू आ गई भाई। अब
मुझे वो पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो अब हमें डिटेल से जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इनकी वैल्यू है, अल्फा बीटा की भी वैल्यू है मेरे पास और इनकी भी वैल्यूज है। तो अब मैं अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करूं जिससे हम वैल्यू डायरेक्ट पुट करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, तो ध्यान से समझो भाई, अल्फा और बीटा इसके दो रूट थे। अगर अल्फा बीटा दो रूट थे, अल्फा प्लस बीटा आया कितना, माइनस टू। आपको अल्फा की वैल्यू अब यहाँ से निकालनी होगी, यानी अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इसको फर्दर लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा एंड देन होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है मेरे पास माइनस टू, माइनस टू का होल स्क्वायर करोगे तो आएगा फोर, माइनस टू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है प्रोडक्ट में वन, और फिर इसका होल स्क्वायर भी है भाई माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जब अल्फा बीटा वन है तो इसका स्क्वायर भी वन ही होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी वन, चार में से दो गया दो और दो का होल स्क्वायर आया चार, चार में से फिर दो गया तो बचा दो, यानी मेरे को जो ऑप्शन बच्चों दो आंसर दे देगा वो मेरा ठीक आंसर होगा। अब मैं डायरेक्ट ऑप्शन बी पे ध्यान देता हूँ, ऑप्शन बी पे मेरे पास पी और क्यू की वैल्यूज हैं। पी हमने कितना माना हुआ है इक्वेशन में, हमने पी माना है माइनस दो और क्यू माना है भाई वन, पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस दो का स्क्वायर, क्यू की वैल्यू वन प्लस टू, इसकी वैल्यू अगर देखे जाए तो सोलह, ये भी कितना हो जाएगा सोलह प्लस दो, इससे ये कट गया, यहाँ से भी कितना मिला दो, तो जिस ऑप्शन से वैल्यू मैच होगी वो भी ठीक है, लेकिन दोनों ही लेंथी तरीके हैं बेसिकली। आप इससे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको शॉर्टकट जो हमने अभी दिखाया, ये शॉर्टकट नाम को शॉर्टकट है जब हम वैल्यू लेट कर लेते हैं, डिटेल अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है। तो आप दोनों तरीके सोच के जाओ कि अगर डिटेल से भी हो जाएगा तो भी बढ़िया है, नहीं तो हमें ये तरीका आना ही चाहिए। तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, 54 क्वेश्चन पे। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है, इसको ऑप्शन से भी देखना होगा हमें लास्ट में आके, क्योंकि ये कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को इससे दुगने टाइम 12 में, सी इससे दुगने टाइम 24 में, और डी इससे दुगने टाइम यानी डबल टाइम 48 डेज में। नाउ दे ऑल बिगन द वर्क टुगेदर एंड द वर्क इज 48 वर्क बिकॉज एलसीएम इज वर्क, 6 8 48 12 चौक 48 24 दुनिया 48 48 एकम 48। अब वो ये कह रहा है कि इनको दो ग्रुप में रखते हैं और उन ग्रुप में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का दो तिहाई समय लेता है, यानी कि अगर हम इस लाइन को पढ़ें, वन पेयर टेक टू थर्ड टाइम टेकन बाय सेकंड पेयर, और हमसे सेकंड पेयर की बात पूछ रहा है, तो बात को जरा ध्यान से समझना, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर में कोई भी हो सकता है, बहुत सारी यहां पे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो अभी बात करेंगे, सिंपल समझो कि अगर टाइम की बात हो रही है, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर का टू थर्ड टाइम ले रहा है, यानी अगर फर्स्ट पेयर को टू टाइम लग रहा है तो सेकंड पेयर को तीन टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है तो इसको तीन और दो लगेगा, यानी सेकंड पेयर की एफिशिएंसी कितनी आएगी भाई, दो। तो अब आगे आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते हो, यानी अगर आप ऑप्शन डी देखते हो सबसे पहले, तो अगर आप ऑप्शन डी देखते हो तो बच्चों ऑप्शन डी में सेकंड पेयर की बात कह रहा है, सेकंड पेयर अगर बी और सी हुआ, सेकंड पेयर का वर्क कितना है भाई, 6, तो फर्स्ट पेयर कौन सा रहा होगा, ए और डी का 8 और 1 कितना हो गया, 9, 3 से काट कर देखो 3 3 9 3 2 6 मिल गई एफिशिएंसी। तो अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो ये सही हो पाएगा, ऑप्शन डी इसका ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा पहले ऑप्शन ए को देख लेता है तो ऑप्शन ए का सेकंड पेयर देखते हैं, सेकंड पेयर में लिखा हुआ है ऑप्शन ए में ए और बी, तो ए और बी लिखा है आपके ऑप्शन ए में, तो इसका मतलब वो सेकंड पेयर रहा होगा ए एंड बी, तो अगर ए और बी सेकंड पेयर है तो ए और बी का काम देखते हैं 8 और 4 12, बाकी बच्चों का वर्क कितना होगा 3, तो देखो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी कितनी आनी चाहिए थी, 3 2, क्यों आनी चाहिए थी, क्योंकि टाइम का रेसिप्रोकल होता है एफिशिएंसी, सेकंड पेयर 3 टाइम लेगा, फर्स्ट पेयर 2 टाइम लेगा, इसका मतलब सेकंड
पेयर दो वर्क करके देता है उतने टाइम में, फर्स्ट पेयर तीन वर्क कर देता है, तो ये ऑप्शन डी से ही मैच हुआ है और बाकी किसी से भी मैच नहीं होने का। तो इसके लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन आप देख रहे हो, आज के पेपर का लेवल काफी हाई है, आप 55 से भी अंदाजा लगा सकते हो। 10th क्लास एनसीईआरटी में जब आप पढ़ते हो चैप्टर 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो चैप्टर 10 की फोर्थ एक्सरसाइज का फिफ्थ एग्जांपल बिल्कुल हुबहू इसी के जैसा है। तो मैं आपसे कहूंगा कि पर्टिकुलर एनसीईआरटी को एटलीस्ट डाउनलोड करो, और अगर परचेस भी नहीं कर सकते तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जरूर कर लो। 10th चैप्टर में सरफेस एरिया वॉल्यूम में फोर्थ एक्सरसाइज में शायद फिफ्थ एग्जांपल है, उसमें चेंज यही है कि हाँ सेंटर एंगल जो दे रखा है इसने वर्टिकल एंगल वो 90 की जगह 60 है। तो अभी हम 90 वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। क्वेश्चन में है क्या, जरा एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 90 डिग्री। तो यानी इतनी कहानी मैंने आपको बता दी कि कोई एक शंकु है, उसका कोन जो है वो 90 डिग्री बनता है, तो बताओ हाफ कितना बनता होगा बच्चों एंगल, 45 डिग्री। उसने बोला कि इसकी हाइट है 20। तो सिंपल समझाता हूँ, इसमें फर्स्ट टर्म के फार्मूले से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल से करोगे तो फर्स्ट टर्म का फार्मूला यूज होगा ही होगा। वो कह रहा है इसको बिल्कुल मिड पॉइंट से इसको काटा गया है, यानी अगर मिड पॉइंट से काटा गया है तो ये कितना रहा होगा भाई, 10 रहा होगा। अब ध्यान से समझो, ये 45 डिग्री है तो ये बना आइसोसेलिस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बना भी ये बनेगा एक आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलिस राइट एंगल है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अच्छा ये 20 है तो ये भी कितना रहा होगा, 20। अब वो बात कह रहा है हमसे कि अगर इस पर्टिकुलर पार्ट को पिघलाया जाए, फर्स्ट टर्म को पिघलाया जाए जिसकी अब रेडियस है 10, 20 में से ये 10 चला जाएगा तो ये हाइट भी 10 और इसकी बेस रेडियस 20। इसको पिघला के हमने एक वायर बनाया, और आप इतनी बात जानते हो कि जो वायर होता है वो हमेशा सिलेंडर की फॉर्म में होता है जिसका डायामीटर उसने दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर, और हमें इसकी हाइट बतानी है कि ये कितना लंबा होगा, इसकी लेंथ बतानी है। ऑप्शन भी किलोमीटर में दे रखे हैं, और ये सारा डेटा किस में था, सेंटीमीटर में। अब बच्चा क्या करता है इतनी कहानी कर लेने के बाद, या तो वो ट्रिग्नोमेट्री निकाल के वो फर्स्ट टर्म निकालेगा, ये सारी वैल्यूज होंगी, और फर्स्ट टर्म का फार्मूला लगाएगा वॉल्यूम का 1/3 r² r² r r h, और ये वॉल्यूम रखेगा पाई, रेडियस इसकी आ जाएगी 2 रेडियस, यहाँ पे c लिख देते हैं, सिलेंडर है या w लिख देते हैं, 1/16, तो r w आ जाएगा बच्चों 1/32, तो पाई r w स्क्वायर h मिल तो जाएगी अपने को हाइट। यानी इस फार्मूले में रख के कर तो सकते हो, लेकिन करना नहीं है, इससे शॉर्ट में निपटाते हैं। तो सिंपल समझो, अगर मैं बात करूं छोटे कोन की हाइट, स्मॉल कोन, और पूरा बड़ा कोन, हाइट को कंपेयर कर लो, रेडियस को कंपेयर कर लो, किसी को भी कंपेयर कर सकते हो, 10 और 20 का अनुपात है, तो इनके वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा बच्चों, 1/8 का, क्योंकि हाइट का क्यूब कर देने पर मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। अब सिंपल समझना, मुझे फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम चाहिए, या तो मैं फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम ऐसे निकालूं, और ऐसे नहीं निकाल रहा हूं तो मैं फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकालूंगा, पूरे कोन में से छोटा कोन निकल गया, 8 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों, 7 पार्ट बचा। और अब हम इतनी बेसिक सी बात जानते हैं कि अगर मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं पूरे बड़े कोन का, तो वो बड़ा कोन होता है 1/3 पाई r² h। ये वैल्यू जो मिली मुझे वो कितनी मिली भाई, 1/3 पाई, रेडियस है 20 का स्क्वायर, और एच कितना है बच्चों, 20। अब बात को समझना, पूरा जो कितने पार्ट आया पूरे कोन का वॉल्यूम, 8 पार्ट, तो मैं कहूंगा कि ये 8 पार्ट की वैल्यू इतनी है, 8000 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो मुझे 7 पार्ट चाहिए, और मेरा 7 पार्ट क्या है भाई, अभी अभी मैंने लिखा फर्स्ट टर्म। तो जो बच्चे को फर्स्ट टर्म के फार्मूले याद नहीं भी रहते हैं तो वो भी इस तरीके से उस फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकाल सकता है, वो आ जाएगा देखो 8000 पाई 3/8 × 7, 8 से बच्चों 1000 पे गया, 1000 से आ गया 7000 पाई 3,
अब क्योंकि ये वॉल्यूम किसका है, सिलेंडर का, सॉरी इसका, फ्रस्टम का, और मैंने बोला इसको किसके बराबर रखना है, हमें एक वायर जो कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है उसके बराबर रखना है। तो देखो हम यहाँ बराबर रख रहे हैं, हमने फार्मूला भी दिखा रखा है, तो इसी को ही समझना आप। ये वॉल्यूम आया भाई 7000/3π, इसको कैलकुलेट करोगे तो भी इतना ही आएगा पाई। इसकी रेडियस है 1/32, और ये एच अपने को निकालना है, पाई से पाई कट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एच की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी, जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमें दे रखा है 23.89 किलोमीटर। तो व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट दिस वैल्यू। तो आपके लिए कन्वीनियंट क्या रहा, आपको फ्रस्टम का फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको रेशियो थोड़ा शॉर्टकट के तरीके से करेंगे, यही इसका शॉर्ट मेथड है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है भाई 56, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। वो कह रहा है कि अगर घड़ी में 8 बजे हैं और 8 बजे से लेके 8:25 तक जो मिनट की सुई ने ट्रेवल करा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया का आपको फाइंड करना है कितना है वो। तो ध्यान से समझो कि भाई अगर वो 12 पे थी तो वो कितना रीजन ट्रेवल करके गई, मिनट वाली सुई इतना रीजन। अगर ये एंगल पता लग गया तो आप आंसर निकाल दोगे एकदम से। तो आप समझो कि अगर जो मिनट की सुई है बच्चों, वो 60 मिनट में 360 डिग्री ट्रेवल करेगी, एक राउंड पूरा 360 का होता है, तो एक मिनट में इसने कितना ट्रेवल किया होगा, 360/60, और ये कितना ट्रेवल करके आई है, 25 मिनट। तो 25 मिनट में कितना हो गया भाई, 360/60 × 25, 150 डिग्री। तो अगर 150 डिग्री का आपको एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, कि आपको पता है 360, या तो ऐसे करोगे फिर आप 360 डिग्री पे भाई पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री पे होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360, तो 150 डिग्री पे कितना होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 × 150, या फिर आप करोगे थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बात सेम है। अब थीटा की वैल्यू 150 है बटे 360 है पाई, और रेडियस आपको कितनी दे रखी है इसकी मिनट की, 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी रेडियस होगी 10। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15/36 × 22/7 × 10 × 10। अब जरा कैलकुलेट करेंगे, 4 से गया ये 9 पे, 4 से 100 गया 25 पे, अब 3 × 3 9 3 5 15 22 5 110 × 25/7 21, दो ऑप्शन में मुझे 21 दे रखा है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 7 2 0/21, तो 2750/21 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो ऑप्शन डी में दे रखा है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 58 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लिख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का, कि एक जर्नल ऑफ एन आर्मी वांट्स टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर 40493। तो आप ध्यान से समझो, उनको स्क्वायर बनाना है तो आप सबसे पहले देखोगे कि 40493 किसका स्क्वायर है। तो अगर आप नियर बाई देखते हो तो आपको मिलेगी बच्चों 201 की वैल्यू, 201 का स्क्वायर होता है 40491। तो अब मैं बात करता हूं कि इसमें कितने बच जाएंगे, अगर इन दोनों वैल्यू को देखता हूं तो 93 में से 1 गया, कितने बच जाएंगे, 92 बच जाएंगे। तो आपको या तो स्क्वायर याद होना चाहिए, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो आप इसको नॉर्मली 2-2 का पेयर बनाओगे, 2×2=4 लिखोगे, फिर उतारोगे बच्चों 0, 4, यह आ जाएगा कितना 4, फिर नहीं जा सकता तो 0 लगेगी, यहाँ भी 0 लगेगी, फिर 93 आएगा, फिर यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, 401 कितना बच गया 92, तो जो बच गया वही आपका आंसर हुआ। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 59 क्वेश्चन पे। एक दिन में 5 घंटे काम करके 9 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 घंटे काम करके 3 दिनों में कितने आदमी काम करेंगे। हम जो कर रहे हैं वो क्या होगा बच्चों, एच इंटू डी इंटू एम, यानी H1D1M1 बराबर H2D2M2, टाइम एंड वर्क का ये फार्मूला होता है, 5 से 5 कट गया, 3 × 3=9, तो M कितना आ गया भाई, रिक्वायर्ड अभिष्ट संख्या आ गई मेरे पास 30। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कोई एक दुकानदार है वो पहले तो देता है 21% का ऑफ, तो कोई एक पर्सन उसके पास आया होगा
तो उसने 21% ऑफ करा लिया होगा, आप इस 21% निकाल के घटाओ, तो उससे बेहतर है कि आप 79/100 लिख लीजिए, क्योंकि अगर 21 घटाएगा तो 79 ही उसने पे करने होंगे। अब दोबारा उसने डिस्काउंट दिया 5% का, यानी 5% डिस्काउंट के बाद उसको 95 पे करने होंगे। आइदर यू गो थ्रू विद दिस मेथड, अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो फिर आपको सक्सेसिव रूल वाला रिजल्ट जो होता है AB/100 वो यूज़ करना होगा। तो मैं आपके सामने एक शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ करूँगा, उनको इसको बेसिकली ज़रा ध्यान से देखना। जब भी मेरे पास कोई ऐसी संख्या आ जाए जो 100 के आसपास हो, यानी दोनों 100 से कम है, अब मेरे को इसकी मल्टीप्लाई बिना पेन के 5 सेकंड में करनी है, तो मैं उस नंबर को चुनना चाहूँगा जो 100 के ज़्यादा पास है, यानी 95। ये कितना कम है भाई, -5, मैंने 79 में से -5 कर लिया, ये आया 74। अब ये कितना कम है 21, ये कितना कम है 5, 21 पंजे हुआ 105, इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा 3×7505/100। यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन थी ये 2-3 सेकंड की ही मल्टीप्लाई थी। आपको करना क्या होता है ऐसी मल्टीप्लिकेशन में, जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो उसके 2 ही डिजिट रखने होते हैं, बाकी जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 100 से डिवाइड करना भी बहुत आसान है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आया 15 और 225.15, जो कि इसके डी ऑप्शन में हमें दे रखा है। एक ये मल्टीप्लाई जो मैंने बताई है, एक बार दोबारा से दिखा देता हूं। लेट सपोज दो नंबर है मेरे पास, 93×97। अब अगर मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो इसको मैं कैसे करूंगा, तो अभी इसको दो तरीके से कर सकता हूं। पहला तरीका क्या होगा, मैं उसको चुनता हूं जो 100 से ज्यादा पास है। 100 के ज्यादा पास कौन है, 97। कितना कम है, -3। ये कितना कम है, -7। आइदर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 93 और आइदर सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 97-7। आपको क्रॉसवाइज घटाना होगा, कितना मिलेगा, दोनों ही केस में 90 मिलना है। जितना जितना कम होता है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9021 आपके पास आ गया। ये इसका बेसिकली सही आंसर है, 225.15। मल्टीप्लाई की 3 से, फिर मल्टीप्लाई की और फिर 100 से डिवाइड कर दिया। तो आते हैं भाई अब क्वेश्चन नंबर 61 के सॉल्यूशन पे, देखो ध्यान से। +b³+3ab=m। अगर हम इसको यहाँ कट करके पेस्ट कर दें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, हमें कहीं घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, उसका कारण ये है कि a+b की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ देखें तो ये क्या बन गया भाई, a+b का होल क्यूब जो है m के बराबर, और a+b उसने फिर से देखो 1 दे रखा है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब आते हैं 62 के सॉल्यूशन पे। 62 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि आपसे sec θ + tan θ = a। ऐसी सिचुएशन जब भी आ जाए तो बस आप ये याद रखो कि sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है a² + 1/2a। आपसे चाहे वो sec थीटा पूछे नहीं पूछे, अपने को sec थीटा पहले निकालना है इस फार्मूले से। तो अगर sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये, क्योंकि a तो दे ही रखा था उसने, ये प्लस माइनस के लिए ट्रू होता है, माइनस आएगा तब भी आप ये फार्मूला लगा सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, sec थीटा हो जाएगा a² + 1/2a। अब मेरे को ये परपेंडिकुलर लेंथ मिल जाएगी, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी भाई a² + 1 का होल स्क्वायर - 2a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a^4+1+2a² - 4a² दैट इज a² का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर - 2×a² × 1 दैट इज a² - 1 का होल स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, रूट भी लगेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी a² - 1। जब अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों वैल्यू होंगी तो हम बता सकते रहेंगे आराम से कोसेक थीटा क्या है। कोसेक थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा a² + 1/a² - 1। ये क्वेश्चन कब आया था, 2016 के मेंस में आया था ये क्वेश्चन। According to the symmetry, question number 63, अगर आपको symmetry का नियम पता है तो वो ये होता है कि अगर हम कोई भी 3-4 टर्म बराबर हो, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो हम ये कहते हैं कि भाई तीनों आपस में वेरिएबल बराबर रहे होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे x²+a²y²+b² ax+by सबकी डिग्री चेक करूँ तो सबकी डिग्री कितनी है भाई, 2। और अगर मैं ये कह दूँ कि x = a = b रहा होगा तो ये x² + x² क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। बराबर हमने y भी मान लिया
तो वाई, अगर वाई भी बी के बराबर है, बी ए के बराबर है, ए एक्स के बराबर है, तो मैं इसको भी 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैं इसको भी 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो मुझे निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए को भी मैं x लिख सकता हूँ, बी को भी मैं x लिख सकता हूँ, तो ये क्या रहा होगा, ये भी 2x स्क्वायर रहा होगा, और सभी 2x स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये देखने भर से हो रहा है, सिमेट्री से हो रहा है, और सिमेट्री एनसीईआरटी में हमने काफी सारे क्वेश्चन सिमेट्री के कल करे भी हैं अपने एजुकेशन में, जब हमने एजुकेशन में 12th तक की स्टडी की थी। तो अभी इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि भाई डिटेल सॉल्यूशन क्या कह रहा है। डिटेल सॉल्यूशन कह रहा है आपसे कि जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आप ये वाली टर्म भी जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा भाई 2 के बराबर, क्योंकि दोनों एक एक के बराबर हैं। और अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं ए एक्स प्लस बी वाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के, यानी 2 की मल्टीप्लाई किसी से भी करें 2 ही रहेगा। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 ए एक्स प्लस 2 बी वाई। ए एक्स को इधर एक तरफ ले आते हैं भाई, और इसी तरीके से बी वाई को भी एक तरफ ले आते हैं। तो यहां बना एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। मीन्स एक्स बराबर क्या रहा होगा ए, और वाई बराबर क्या रहा होगा बी। तो अगर एक्स ए के बराबर है और वाई बी के बराबर है, तो हम पर्टिकुलरली जो हमें फाइंड करना है उसमें समझ सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं वन। इसमें बेसिकली एक बात और सोच लेते हैं, हम बराबर तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो बिना बराबर माने यहाँ पे बात बनेगी नहीं, क्योंकि सभी बराबर हैं भी। उसने बोला है कि तीन इक्वेशन आपस में बराबर हैं किसी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट के, तो आप इसमें वेरिएबल को बराबर रख के देखिए। अब वेरिएबल रखने ही थे तो किसके बराबर रखने थे, आप ये भी सोच सकते थे कि एक्स बराबर ए बराबर वाई बराबर बी, अगर मैं 1/√2 ले लेता तो भी क्या बात बनती या नहीं बनती। यानी अगर हम इस इक्वेशन की बात करें खाली, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है भी 1। तो जो मुझे फाइंड करना है वो भी 1/√2 के होल स्क्वायर प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर से कितना हो जाएगा 1। तो तीन तरीके मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन के लिए। हम इसको जजमेंट लेके हमें ये सब लिखने की तो जरूरत है ही नहीं पेपर में, ये तो बेकार की बातें हैं। बस आपको ये है कि हाँ डिटेल सॉल्यूशन आना भी चाहिए, इसलिए हमने ये बताया। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर पा रहे हो या फिर विजुलाइज कर पा रहे हो, सिमेट्रिकल है, और मैंने क्लास में कम से भी कम 30 से 40 क्वेश्चन केवल सिमेट्री सिमेट्री के कराए होंगे, तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं 57 क्वेश्चन पे। जैसा कि क्वेश्चन का डायग्राम में मैंने बताया आपको क्या दे रखा है कि बच्चों ओ सर्कल का सेंटर है, डी ई टेंजेंट है जो कि सी पॉइंट पे टच करती है सर्कल को, ए सी कोड है, जो ए सी डी एंगल बनता है वो 79 बनता है। उसके अलावा इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो ओ बी ए एंगल है वो ट्वाइस है किसका, आपके इस ए एंगल का यानी थीटा का। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ ये हो जाएगा ट्वाइस उसका डबल। और इसने क्या बोला है, हमें पूछ रहा है ए सी बी बताओ। तो सबसे पहले समझो कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैंने आपको मॉक टेस्ट 143 में बताया था, 144 में, तो उसी से रिलेटेड है ये भी प्रॉब्लम। ये हुई टेंजेंट, तो ये हुआ अल्टरनेट सेगमेंट एंगल जो बनेगा सर्कल पे। यानी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहती है कि अगर कोई कोर्ड लेफ्ट साइड एंगल बनाए तो उस कोर्ड के दो पॉइंट से आप सर्कल पर आ जाओ फिर से, तो ये पूरा एंगल कितना रहा होगा भाई, ये 79, तो ये भी 79। अब ध्यान से समझना बच्चों, आर्क दिखा रहा हूं मैं आपको, ये सर्कल की आर्क है, ये सर्कल की आर्क सर्कल के सेंटर पे डबल एंगल बनाएगी, सर्कल पे बनेगा आधा। तो अगर सर्कल पे बन रहा है 79 तो ये रहा होगा इसका डबल 158। अब ध्यान से समझो, ये रेडियस है, अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ये थीटा है, तो बच्चों ये भी थीटा रहा होगा, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। कितना मेरे पास बच गया, 180 में से 158 गया, मेरे पास बचता है 22 डिग्री, तो यहाँ कितना आया होगा 11 डिग्री, और यहाँ भी
11 डिग्री, क्योंकि ये एंगल इसका डबल है 11 का, तो ये 11, तो यहाँ कितना आ गया भाई, 11 दूनी 22। तो अगर मेरे पास पूरा एंगल था 79, मेरे पास 22 आ गया इतना, तो मेरे पास जो एंगल बचा ओ बी सी वो कितना बचा होगा, वो बचा होगा 79 माइनस 22, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 2 गया 5। यानी अगर ही मैं इस एंगल की बात करूं जो मैंने मार्क कर दिया, ये एंगल है बच्चों 57। अब क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है 57। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के सॉल्यूशन पे, कह रहा है सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो हम ए और सी की ही वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। तो ए बटे सी जो होगा 3 3 9 3 5 15 5 5 25 और 11 3 33। तो कह रहा है हमसे सी ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो सी की वैल्यू कितनी है 33, ए की वैल्यू कितनी है 25, कितना डिफरेंस है दोनों में 8 का। अब सी किससे ज्यादा है 25 से, यानी 25 कौन है ए, यानी जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं मल्टीप्लाई में 100, यू विल गेट 32%, ऑप्शन ए। एट सिंपल इंटरेस्ट रेट अगर कोई भी सम बच्चों डबल होता है तो हम रेट जो होती है हमारी वो होती है 100%, अगर 5 टाइम्स होगा तो हो जाएगी 400%, 7 टाइम्स होगा तो हो जाएगी 600% टोटल टाइम के लिए। ये चीज है जो हम इसमें याद रखेंगे, ये इसका शॉर्टकट है। तो क्या कहना चाह रहा है, कोई सम ऑफ मनी 4 गुना हो गया, यानी अगर 4 टाइम्स हो गया तो बताओ कितना रही होगी, इससे एक कम हो जाता है तो 4 से एक कम हो गया 300%। 300% हुई बच्चों 15 साल में, तो कितनी रेट आ गई 15 दूनी 30, 20% पर एनम। तो कितने साल में यह 16 गुनी हो जाएगी, यानी 16 टाइम्स की बात हो रही है, 16 टाइम्स का मतलब हो गया 1500% रेट। 1500% रेट के लिए अगर मैं 20% से इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ गया भाई 75 साल, इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेकिन क्या ये समझ में आया, मेरे को नहीं लगता कि शायद ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल वाइज देख लेते हैं। अगर 4 टाइम्स हुआ होगा कोई सम, तो इसका मतलब है a अपॉन p की जो वैल्यू है वो 1 से 4 हो गई होगी, 1 के 4 हो गए होंगे, तो कितने एक्स्ट्रा मिले होंगे भाई आपको, 3 मिले होंगे, कितने पे, 1 पे मल्टीप्लाई में 100, तो कितने परसेंट आ गया 300%। आगे की कहानी सेम है लेकिन उसको भी ढंग से नहीं करेंगे, 20% निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों पेपर में। क्या करना है, सिंपल समझना है कि अगर 4 टाइम्स है तो 300% है, और उसने पूछा कितने टाइम में होगी, इसको लग के 15 साल, उसने पूछा कितने टाइम में होगी भाई ये आपकी 16 टाइम्स होगी, तो कितनी रेट होगी 1500%, उससे 100 कम हो जाएगा। तो देखो 300 को 1500 कैसे बनाएंगे, 3 5 15 और 15 5 75। तो आपको दो तरीके मैंने बता दिए, एक तो ये वाला तरीका था, एक ये है। अगर वो 100 200 400 याद नहीं रहे तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल लेंगे। चलिए आ जाते हैं आगे। कोई ट्रेन है जो 210 मीटर लंबी है, वो 35 सेकंड में किसी को पार कर लेती है पत्थर को, तो इसका मतलब वो अपने आप को पार करती है, तो आपको उसकी स्पीड पता लग जाएगी। स्पीड हो गया उसकी लेंथ बटे में 35, आप कर दीजिए 7 5 35 7 21 5 6 6 पे गया 6 मीटर पर सेकंड, ये उसकी ट्रेन की स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट। अब कह रहा है कि भाई कोई ये दूसरी ट्रेन जो इतनी लंबी है विपरीत डायरेक्शन, यानी कि विपरीत दिशा में जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, तो लेंथ जो होगी वो देखो दोनों ट्रेन की जोड़नी है अब आपको। स्पीड वन अपने को पता है 6, लेकिन स्पीड टू अपने को दूसरी ट्रेन की नहीं पता है। टाइम कितना लगेगा इसको ऐसा करने में, 15 सेकंड का। खाली इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं तो स्पीड ऐड होती है, और बच्चों खास बात अगर दोनों ट्रेन है तो दोनों की लेंथ भी ऐड हो जाएगी, जैसा कि यहाँ हो गया। तो 15 सेकंड में दोनों की लेंथ जुड़ गई, स्पीड विपरीत है तो ऐड हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं, 210 हो गया 420, 6 जमा S2, 15 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो आएगा 90 जमा 15 S2 बराबर 420। 15 S2 की वैल्यू 420 माइनस 90 330 बाई 15, 15 दूनी 30 22 मीटर पर सेकंड। लेकिन उसने पूछा है किलोमीटर पर आवर में,
18 बटे 5 से मल्टीप्लाई भी करो, 18 दूनी 36, 5 सत्ते 35, 79.2 किलोमीटर पर आवर, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन बच्चों अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पे क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, क्यूआरटी की वैल्यू दी है 55 डिग्री, क्यूटीआर 35 डिग्री, मेरे को बताना है पीओक्यू। तो अब ध्यान से समझो, अगर ये देखूं मैं आर्क, कौन सी आर्क भाई, मैंने अगर ये आर्क देखी, इस आर्क से सेंटर पे एंगल डबल होता है और सर्कल पे आधा होता है, तो अगर मैंने ये एंगल निकाल लिया तो इसका डबल करने पे मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अब ध्यान से समझते हैं फिर से अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये देखिए, ये जो जीवा है, ये कोड है, 55 डिग्री बना रही है, तो इस पॉइंट से अगर सर्कल पे आएंगे, ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ये वाली लाइन की, तो आपको आर से पी तक मिलाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि अपना ये जो एंगल होगा क्यू पी आर ये पूरा 55 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखेंगे ट्राइंगल पी टी आर, जिसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, 180 में मेरे पास बच्चों 55 और 35, 90 और 55, 145 डिग्री मेरे पास है। मेरे पास कितने डिग्री नहीं है, 35 डिग्री नहीं है, तो ये रहा होगा 35 डिग्री, 35 का डबल हो गया 70 डिग्री, हमारा आंसर डी। आज मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो डी में मिले हैं, तो कई बार हो जाता है कि एक ही ऑप्शन आपको पूरे आंसर की में डी 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 ठीक हो, तो तुक्का वुक्का नहीं मारना है। तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 में देखिए क्या कह रहा है आपसे, वाटर है जिसके अंदर अल्कोहल है और वाटर है जिसका रेशियो 5:9 है। अब आपने क्या किया अभी, 5 लीटर मिक्सचर निकालकर आपने 7 लीटर वाटर ऐड कर दिया, जिससे वाटर और अल्कोहल का रेशियो 5:2 हो गया। तो अब आप समझो कहानी क्या है, कहानी है कि जब भी हम कोई वस्तु विशिष्ट कुछ खरीद कर लाते हैं, जो मिक्सर होता है भाई, तो उसमें रेशियो था इनिशियली 5:9। अब मैंने क्या किया, इसमें से भी 5 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, मैंने मिक्सचर टेकन ऑफ लिख देता हूं यहाँ पे, 5 लीटर जैसे ही अपन निकालेंगे तो फिर भी रेशियो क्या रहेगा, 5:9। क्यों रहेगा 5:9, क्योंकि आपने अभी तक कुछ मिलाया नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ बेसिकली एक एग्जांपल लेके, इस पानी की बोतल से एग्जांपल लेता हूँ, अभी इसमें इतना पानी है, मैं 2 घूंट पी लूँ और 2 घूंट पीने के बाद में फिर क्या इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, अल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं। H2O जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसके अंदर बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जितना था उतना ही रहने वाला है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया। जैसे ही मैं कुछ इसके अंदर डाल देता हूं तो इसके टेस्ट में परिवर्तन यानी इसके अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। तो अब हम जो करते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम 5:9 इनिशियल वाला नहीं लेते, हम लेते हैं वो निकाल देने के बाद, यानी हम यहां लिखेंगे मिक्सचर निकालने के बाद। मिक्सचर निकालने के बाद की कहानी अभी 5:9 की। अब समझो बात को, जैसे ही मैंने 5 लीटर पानी मिलाया होता तो मैं वापस वहीं पे पहुंच जाता जहां से मैं चला था, यानी आज ब्लू है पानी, पानी बच्चे, लेकिन आपने पानी कितना ऐड करा है, 5 लीटर निकाल तो लिया था, लेकिन आपने 5 लीटर की जगह 7 लीटर मिला दिया, यानी 2 लीटर फालतू, या इतना जो रीजन है वो 5 का है भाई, और ये रीजन है कितने का, 2 का, और ये क्या है भाई, वाटर ऐड। तो अब एक बात बताओ, वाटर ऐड कर लेने के बाद मैंने यहां लिख दिया ऐड, और कितना लिख दिया, 7 लीटर ऐड। वाटर अल्कोहल का रेशियो 5:2 हो रहा है, ये पेपर में ध्यान से देखना था, वाटर अल्कोहल, तो यानी अल्कोहल कितनी हो जाएगी, 2 और वाटर 5। तो अब सिंपल समझो कि जैसे ही आप 5:9 से 7 लीटर मिलाओगे, एक तो आप 2 लीटर फालतू पहुंच जाओगे, दूसरा जो रेशियो है वो हो जाएगा 2:5। आपने मिला कहां से रहे हो, आप यहां से मिला रहे हो, इसका मतलब मिला रहे हो पानी, तो अल्कोहल जितनी थी उतनी ही रहेगी। अल्कोहल को क्या करना चाहिए भाई, सेम करना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10 और 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10, 5 × 5 =
25। अब देखते हैं कितना हमने मिलाया, कितना मिलाया भाई, हमने 7 मिलाया। और 7 किसके बराबर है भाई, 7 लीटर के बराबर है। पूछ रहा शुरू की क्वांटिटी कितनी है, तो हम पहले देख लेते हैं ये क्वांटिटी कितनी है, 18 और 10 28। ये क्वांटिटी कितनी है भाई, 35। तो सिंपल समझो, 7 लीटर आप मिला रहे हो यहां से, जब आप यहां से 7 मिला रहे हो, 28 लीटर हुआ यहां पे, तो आपने 7 मिला के 35 लीटर कर लिया। और 35 जो है वो 2 ज्यादा है, तो ओरिजिनल कितना रहा होगा, ओरिजिनल रहा होगा 35 में से 2 घटा दो, कितना आ गया, 33 लीटर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आते हैं 72 के क्वेश्चन पे बच्चों। जैसा कि अभी हमने देखा, अभी अभी हमारे माइक की बैटरी डाउन हो गई, पूरा सॉल्यूशन दोबारा ना करना पड़े तो मैं आपको यही समझा देता हूँ। और इनमें से कोई भी आपको पेपर में नहीं करना है, ये डिटेल अप्रोच है। हमें दे रखा था एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 2+2 कोस थीटा, होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया था मैंने, तो देखो ये 2 का स्क्वायर 1+ कोस थीटा है, कोस थीटा का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज कर दिया 1 - कोस स्क्वायर थीटा में, 4 1+ कोस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिखा रहा, ये हो गया a+b a-b। 1+ कोस थीटा से एक पावर चली गई, ये बचा यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 - कोस थीटा इज इक्वल टू 4 × 1+ कोस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी, x²-x² कोस थीटा इज इक्वल टू 4+4 कोस थीटा। अब ये जो हुई वैल्यू, देखो हम 4 कोस थीटा को इधर ले आते हैं, x²-x² कोस थीटा प्लस का 4 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड 4 है। इनमें से मैंने कोस थीटा को कॉमन ले लिया, और अब आप देखोगे कि यही हमें दे रखा था फाइंड करने के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री का आता है तो डिटेल बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपने क्या किया होगा, 90% बच्चों ने 45 डिग्री पुट किया होगा। 45 डिग्री कब पुट करना है, जब भी ये अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आ जाए, यानी एक्स वाई जेड करके आ जाए, तब आप 45 पुट कर सकते हो। जब 45 पुट किया तो एक्स साइन 45 और कोस 45 दोनों बराबर होते हैं, यहाँ से मुझे एक्स का मान मिल गया रख के बच्चों, ये माइनस का इधर जा गया तो ये हो गया प्लस का, एलसीएम लिया हमने, √2 से √2 कैंसिल कर दिया। अब देखिए एक्स का मान आ जाएगा ये, अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 जमा √2। अब इसमें आप पुट करोगे 12 + √2 और लास्ट में कोस थीटा की वैल्यू भी है, तो एलसीएम भी लोगे, एलसीएम लोगे तो 12 √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 - 12 और 4 = 16 / √2। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज, 12 में से 8 गया 4 √2 / √2 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। कितने तरीके से, 2 तरीके से, दोनों में से कोई भी पेपर में नहीं करना है। बस एक बात सिंपल समझ लो, सुपर शॉर्टकट बता रहा हूं अब इस क्वेश्चन का, सुपर शॉर्ट ये है भाई कि अगर साइन कोस प्लस में दे रखे हो या माइनस में दे रखे हो, पावर डिग्री सेम हो या अलग अलग हो, तो आप किसी एक को 0 और 90 डिग्री मान सकते हो। यहाँ पे हम इसको 0 कर लेते हैं, ये 0 कितने डिग्री पर होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो उससे एक्स साइन 90, साइन 90 माइनस 2 कोस 90 बराबर 2, तो मुझे क्या मिल गया, साइन 90 1 होता है, कोस 90 0 होता है, मुझे मिल गई एक्स की वैल्यू कितनी, 2। इसका क्या फायदा हुआ, इसका ये फायदा हुआ मुझे निकालना है x²-4 + x² × cos थीटा। अब थीटा मैंने बोला 90 है, तो 90 कोस 90 कितना होता है, 0, 0 की किसी से भी गुणा होगी तो वो भी 0, क्या बचा खाली एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4, बात खत्म हो गई। चलो आते हैं भाई 73 से लेके 75 तक का ये डेटा, चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे ध्यान दें। तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 73 क्वेश्चन में कि कौन सी कार 2009 से 2012 में मैक्सिमम बिक्री होती है, तो ब्लू लाइन से मैंने लिखी है स्विफ्ट, ब्लैक से अल्टो और रेड से एसयूवी। तो ध्यान से समझते हैं, स्विफ्ट की बात करेंगे पहले। स्विफ्ट कार में अगर हम बात करें तो 500 थी, यह वैल्यू 800 है, तो कितना बढ़ गई, 300, कितने से, 500 से मल्टीप्लाई में 100, यू विल गेट बाई 300/5 60%। लेकिन बात करें अल्टो की, तो अल्टो की बिक्री थी मेरे पास 450 से हो गई है 625, 175 का इसमें हाइक लगा, इंक्रीज हुई, किससे हुई, 450 से, मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, यू विल गेट अप्रोक्सीमेट 38%। और बात करते हैं एसयूवी की, एसयूवी कितनी थी भाई, एसयूवी बहुत कम थी, 150,
हो गई 750। वैल्यू देख के भी आप आइडिया लगा सकते हो पेपर के अंदर। देखो सबसे ज्यादा चेंज किस में फ्लक्चुएट, एसयूवी में ऑब्वियसली एसयूवी रही होगी, तो ये कितना बढ़ गई भाई, अगर हम घटा दें 600 कितने से, 150 से मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 ऑलमोस्ट 400%। तो आंसर है इसका एसयूवी, ऑप्शन सी। आते हैं अगले क्वेश्चन 74 पे, कह रहा है 2009 से 2012 तक एनुअल ग्रोथ क्या रही एसयूवी की। तो एसयूवी कितनी थी हमारे पास में, 150, ये प्रिंसिपल कह सकते हैं हम इसको, कितनी हो गई 750, तो कितनी बढ़ी, 600 बढ़ी। किस पे बढ़ी बच्चों, 150 पे, 150 से जब 600 बढ़ी किस दर से बढ़ी हमें ये निकालना है, कितने टाइम में बढ़ी है, 3 टाइम में बढ़ी है। तो 3 टाइम के लिए जब ये अपन निकाल के चल रहे हैं इसको, 150 इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100 इज इक्वल टू 600, यू विल गेट 400 बाय 3, 133.33%। क्या किया मैंने, PRT बाय 100 इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट, तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यहाँ पे लगा सकते थे। आते हैं आखिरी क्वेश्चन 75 पे, देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आप बताओ कि स्विफ्ट का टोटल एसयूवी से क्या रेशियो है। तो स्विफ्ट देख लो कितनी है, 500 575, 650, 800, और एसयूवी कितनी है, एसयूवी गिन लीजिए 150 250 400 750। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये आता है भाई 8 6 14 और 5 19 19 और 5 24 2450, यानी कि 2525। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना जाएगा, 7 4 11 और 2 13 और 1 14 14 और 1 15 सौ 50। और जब हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 5 25 5 5 25, 5 3 15 और फिर 5 से फिर काटने पर 101/62 जो दे रखा है आपको ऑप्शन बी में। हमें कमेंट में रख के ज़रूर बताएं, काफ़ी आपके कमेंट्स से हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, और एक उम्मीद हमें और लगती है कि भाई आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस का और संग्रह, एक कलेक्शन आप लेकर आएं, जिससे जो दूर दराज के इलाके में बच्चे खाली टेस्ट सीरीज़ के जरिए तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियोज़ को देखते हुए प्रेरित हों और जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी के अवसर को बुना सकें और अपनी लाइफ में एक सिक्योर भविष्य कर सकें। तो हमारी केडी कैंपस की पूरी टीम इसी लिए आपके लिए लगी रहती है किसी ना किसी तरीके से, ताकि आप सब बहुत अच्छा करें, अपने भविष्य को अच्छा कर सकें, अपने एग्ज़ाम को अच्छा कर सकें। तो इसी बात के साथ मैं संजय खान अलविदा लेता हूं आपसे, अगले वीक फिर एक बार फिर से 153 मॉक सॉल्यूशन के साथ हाजिर होऊंगा। और इसी दौरान इसी बीच में बच्चों आपके लिए लेकर आ रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, जो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे बच्चे वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको अब देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन्स 2017 तक के क्वेश्चंस कराए गए होंगे। चलिए धन्यवाद।